सामने मंदिर दिख रहा है। इस मंदिर में देश के तीन अति प्राचीन स्फटिक शिवलिंग में एक स्फटिक शिवलिंग की स्थापना इस मंदिर के अंदर हुई है। तो आज दर्शन करते हैं उस स्फटिक शिवलिंग को महादेव के इस मंदिर में। यह मंदिर बिहार राज्य के जिला गया जी में रामशिला पहाड़ के ठीक नीचे रामशिला मंदिर में स्थापित। इस मंदिर में महादेव के साथ राम दरबार भी है और भगवान गणेश भी यहाँ पे विराजमान है। पितृपक्ष मेला में देश विदेश से आने वाले हजारों पिंडदानी इस स्फटिक के शिवलिंग के साथ मुंगा रत्न के गणपति महाराज के दर्शन करना भी नहीं भूलते हैं। तो सबसे पहले दर्शन करते हैं सिद्धि विनायक महाराज गणेश जी का, जो यहाँ पे मुंगे की चट्टान से निर्मित है और लगभग 5 फीट ऊँची यह मूर्ति अद्वितीय है। शायद ही कहीं मुंगे के गणेश जी आपको देखने को मिले, ऐसा नहीं कि नहीं मिलेगा, लेकिन ये गया जिले में तो अद्वितीय है। 5 फीट ऊंची मुंगे रत्न का कीमती पत्थर ये उससे बनी है निर्मित, और इनका सूंड है जो दाएं तरफ का मुड़ा हुआ है, 4 हाथ है और नीचे में रिद्धि सिद्धि विराजमान है। गणेश जी के दर्शन के बाद ये श्री राम दरबार का दर्शन कर, इन्हीं के ठीक बगल में महादेव स्थापित हैं। 1 फुट ऊँची स्फटिक शिवलिंग शिव भक्तों की आस्था का केंद्र है। बिगड़े हुए ग्रह नक्षत्र को ठीक करने में भी स्फटिक के शिवलिंग की पूजा का विशेष महत्व है। इसका वर्णन शिव पुराण में भी है। शिवरात्रि महाशिवरात्रि में पूजा करने से राहु केतु के दोष व असमय मृत्यु का भय दूर हो जाता है। रामशिला का स्फटिक शिवलिंग की अलग ही विशेषता है। यहाँ के पुजारी के अनुसार आरती करने पर शिवलिंग से नेत्र जैसी आकृति दिखती है, बासुकीनाथ की भी आकृति नजर आती है। इस मंदिर में सावन के सोमवारी और महाशिवरात्रि को बहुत अधिक श्रद्धालुओं की भीड़ रहती है। इस शिवलिंग की स्थापना 18वीं शताब्दी में टेगारी महाराज के वंशज ने करवाए थे। इस मंदिर का निर्माण भी उन्होंने ही करवाया था और उसी समय इस शिवलिंग की स्थापना हुई थी। देश में तीन अति प्राचीन स्फटिक शिवलिंग में पहला तमिलनाडु के रामेश्वरम में, दूसरा जम्मू कश्मीर के रघुनाथपुर में और यह तीसरा बिहार के गया जी जिले में रामशिला पहाड़ी के नीचे बना हुआ है। हर हर महादेव की जय।